Hello everyone, welcome to our YouTube channel and Lightning Management Tutorials. So today I'm here again with a very interesting topic, managerial skills. So let's start our today's session. तो अब आज के सेशन में हमें क्या डिस्कस करना है, मैनेजेरियल स्किल्स. मैनेजेरियल स्किल्स मतलब एक मैनेजर के अंदर कौन कौन से स्किल्स होने ज़रूरी हैं टू परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमें कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, चाहे टॉप लेवल मैनेजर हो, चाहे मीडियम लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो. हर लेवल का मैनेजर अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है. कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, तो अब इन सारे फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, जिससे कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे से हमें मिल सकें, मैनेजर्स के अंदर स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम छोटे से एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल, इफ़ अ प्रोडक्शन मैनेजर, अगर उसके पास मशीन्स को ऑपरेट करने की नॉलेज नहीं है, रॉ मटेरियल्स हैं या कोई भी मटेरियल है या कोई भी आउटपुट है, उनकी क्वालिटी को कैसे इंश्योर करना है, उसे ये चीज़ नहीं पता, उसके अंदर ये पर्टिकुलर स्किल्स ही नहीं है, तो रिजल्ट्स अच्छे से नहीं आ पाएंगे, ना ही वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएगा. तो किसी भी फंक्शन को करने के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर हो, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो, हर मैनेजर को उसको अपना काम करने के लिए स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है. तो स्किल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्किल्स मतलब एक प्रैक्टिकल एबिलिटी होना या फिर एक्सपर्टनेस होना उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी ही बात करूँ, अगर मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ लेकिन मेरे अंदर खुद ही सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, या फिर मेरे को प्रेजेंटेशन देने का मतलब समझ में नहीं आ रहा, या हाउ टू प्रेजेंट द टॉपिक, अगर मेरे अंदर यही स्किल्स नहीं है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे अच्छे नहीं होंगे, अगर मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, तो ना तो मेरा ऑब्जेक्टिव इंश्योर हो पाएगा और ना ही आप लोगों का ऑब्जेक्टिव इंश्योर हो पाएगा. तो बेसिकली यही चीज़ अप्लाई होती है हमारे मैनेजर्स के लिए. उनको अच्छे से फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उनका उनके अंदर स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है. तो अब मैनेजेरियल स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कैट्स, हु वॉज एन अमेरिकन सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने मैनेजेरियल स्किल्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया. टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स को हम ह्यूमन रिलेशन स्किल्स भी कह सकते हैं और इंटरपर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं. ऑल राइट, एंड द लास्ट वन इज कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, जिसको हम कभी कभी जनरल मैनेजमेंट स्किल्स भी कह सकते हैं. तो हमारे जो एग्जाम्स है ना, उसमें क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है कि मैनेजेरियल स्किल्स बताइए, या फिर रॉबर्ट कैट्स की मैनेजेरियल स्किल्स बताइए, कैसे भी आ सकता है. तो बेसिकली ये 3 मैनेजेरियल स्किल्स हैं जो एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की. टेक्निकल स्किल्स मतलब नाम से पता चल रहा है, मैनेजर को टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए. तो और जो टेक्निकल स्किल्स है ना, वो बेसिकली किसके अंदर होनी चाहिए? जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स हैं, जो बिल्कुल इमीडिएट लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके अंदर ये स्किल्स होनी ज़रूरी हैं. उन्हें पता होना चाहिए कि हमें मशीन्स कैसे ऑपरेट करना है, जो नई नई मार्केट में टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं, नए नए प्रोसेसेस आ रहे हैं काम को करने के लिए, उन सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. कैसे हम एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हमें अपने वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को कम करना है, कैसे हमें कम मटेरियल में आउटपुट लेकर आना है. ठीक है, अगर हम सेल्स मैनेजर की बात करें तो उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, कैसे हमें कस्टमर से पॉजिटिव फीडबैक लेकर आना है. अगर हम एक एडवर्टाइजिंग मैनेजर की बात करें तो उसे पता होना चाहिए विद इन द रिसोर्सेज हमें ऐसी कौन सी इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारी सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट हो और जो हैं हमें उनसे रिस्पांस मिले, सेल्स आए. तो ये सारी चीज़ें जो मार्केट में रिसर्चेस हो रही हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है, पहले की जो टेक्निक्स हैं सब डिग्रेड हो रही हैं, आजकल नई नई मशीन्स आ रही हैं, तो अगर उन्हें वही नहीं पता कि मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है, तो फिर तो ये सब जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं ना, तो ये सारी चीज़ें, इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो एक टेक्निकल स्किल्स अगर एक मैनेजर के अंदर है तो वो अपने काम को इफेक्टिवली कर पाएगा, अच्छे से कर पाएगा.
ठीक है. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द ह्यूमन स्किल्स, जिसको हम ह्यूमन रिलेशन स्किल्स भी कहते हैं और इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहते हैं. नाम से पता चल रहा है ना, ह्यूमन स्किल्स. तो ह्यूमन स्किल्स कहाँ काम करेगी? हमारे मीडियम लेवल मैनेजर्स के लिए. तो मीडियम लेवल मैनेजर्स के लिए ह्यूमन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना है, उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करना है. कैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, कैसे एम्प्लॉयज़ के अलग अलग नेचर है ना, अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग एटीट्यूड है, उनके साथ कैसे डील करना है, कैसे उनसे काम को निकलवाना है. तो ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन स्किल्स के अंदर आती हैं. ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं हमारे, सबका नेचर अलग अलग होता है, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है. तो सबके नेचर को कैसे एनालाइज करना है, उनकी पर्सनालिटी को कैसे इन्हांस करना है, हर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग मेथड्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. किसी एक एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर मेथड से समझ में आता है, सेम दूसरे एम्प्लॉय को वही चीज़ किसी दूसरे मेथड से समझ में आती है. तो कैसे इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना एक ह्यूमन स्किल्स के अंदर आता है. कैसे आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, कैसे उनको मोटिवेट कर रहे हो, कैसे उनको लीड कर रहे हो, उनकी पर्सनालिटी इन्हांस कर रहे हो. हमें यहाँ पे उनकी पर्सनालिटी को अच्छे से समझकर उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं. ह्यूमन स्किल्स अपने आप में बहुत वेरीड स्किल्स हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसेप्चुअल स्किल्स की. ठीक है, कंसेप्चुअल स्किल्स नाम से पता चल रहा है, कहाँ पे आएगा? टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए आएगा. बेसिकली वो किससे डील करते हैं? कॉन्सेप्ट से डील करते हैं, क्रिएटिविटी से डील करते हैं. उन्हें कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उन्हें एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेने हैं. तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कहाँ काम आती हैं? हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए, कि कैसे वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एज अ होल पिक्चर लेके चल रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हमें एनालाइज करना है, जिससे हमारी प्रॉफिट्स हैम्पर ना हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है, ग्रोथ है, वो हैम्पर ना हो. उनके अंदर इनोवेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, चीज़ों को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए. यहाँ पे आएगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि कैसे आप एक सिचुएशन को एनालाइज करते हो, उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे और हमें कौन कौन से डिसीजंस लेने चाहिए. तो यहाँ पे हमारी काम करती हैं कंसेप्चुअल स्किल्स. तो बेसिकली टेक्निकल स्किल्स डील्स विद द थिंग्स, ह्यूमन स्किल्स डील्स विद द पीपल, एंड द कंसेप्चुअल स्किल्स डील्स विद द आइडियाज. तो ये तीनों की तीनों स्किल्स रॉबर्ट कैट्स ने डिफाइन करी, जो कि एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली स्मूथली चलाने के लिए. तो आज हम इस सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं, एंड अगेन वी विल मीट यू विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज, माई कंटेंट, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you and have a nice day.